नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज जो है वो स्टैंडर्ड 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट टेस्ट में आने वाले कुछ IMP क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले और अपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कर ले। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ये पेपर आपका आना है 25 मार्क्स का और इसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने और उसका वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, इट इज़ लस्चरस एंड ईजी टू वॉश, सो इट इज़ बिकम। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg व्हीट हैज़ बीन ब्रॉट टू योर हाउस, वॉट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ इट, एंड 2 मार्क्स का वेटेज है। एक्सप्लेन वेयर एंड वाई मेटेलिक मटीरियल एंड नॉन मेटेलिक मटीरियल्स हैव बीन यूज इन योर हाउस। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है यहाँ पर, और विच एग्रीकल्चरल टूल है डू यू यूज टू सो सीड्स इन अ फील्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 2+1+1 इस तरह से 6 मार्क का उसका वेटेज है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग When you add water to sulfur dioxide and put a blue litmus paper in it, why does it become turn red? When we put burning candle near the mouth of the test tube consisting to sulfuric acid and pieces of magnesium. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर है। मैं पहले से आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 8 के लिए साइंस का ये पेपर है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसके क्वेश्चन कॉपी कर ले और आप इसको सॉल्व करें। मैं इसका सोल्यूशन जो है बहुत जल्दी रखने वाला हूँ। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसकी प्रिपरेशन कर ले, रेफरेंस बुक से इसकी तैयारी कर ले और जल्द से जल्द इसकी नोट्स बना ले और आप इसकी तैयारी करके एग्ज़ाम्स जो है वो अच्छे से देइए। हमारी आपको ये खास रिक्वेस्ट है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि जो दूसरे जो पेपर्स है वो जब हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है वो हमें लिख के दे ताकि हम हमारे जो वर्क है उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकें। तो इस तरह से आपके सामने सारे क्वेश्चन आ गए। पेपर का वेटेज है टोटल 25 मार्क्स और आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा और सबमिशन की डेट जो है आपको स्कूल के थ्रू बताई जाएगी। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर ले, रेफरेंस बुक है आपके पास तो आप इसकी तैयारी कर ले, अदरवाइज़ हम इसका सोल्यूशन जो है वो एग्ज़ाम के बाद रखेंगे।